इस बुक के ऑथर कहते हैं कि अचानक आपके साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा इस बात का वादा नहीं करते हैं। वे एक बोल्ड दृष्टिकोण को बताते हैं जिसमें वे नॉनसेंस तरह की गलतियों को नहीं करने की सलाह देते हैं और वे कर्जों से छुटकारा पाने की सलाह देते हैं और साथ ही साथ फाइनेंशियल हेल्थ प्राप्त करने के लिए जमीनी तौर पर सुधार करने की आशा प्रदान करते हैं। इस बुक के ऑथर रामसे ने पैसे के कई मिथकों को गलत बताया है, जैसे कि कैश एडवांस में लेना या रेंट पे कोई चीज लेना या बहुत से कर्ज एक साथ में बिना सोचे लेना शामिल है। और वे आगे कहते हैं कि अमेरिकन ने अपने सपने के भ्रम और खुद को धोखा देने के साथ साथ वे ओवर पेंडिंग बिल्स और भारी मात्रा में कर्जों में फंसे हुए हैं। टोटल मनी मेकओवर थ्योरी नहीं है, फिर भी यह हर बार काम करता है। यह काम करता है क्योंकि यह आसान है। यह काम करता है क्योंकि यह पैसे की समस्या को दिल से खत्म करना चाहता है। अब हम बुक में बताए गए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की ओर चलते हैं। यदि आपके पास एक डिसेंट जॉब, एक कार और एक घर है तो शायद इस तरह की बुक पर दूसरी नजर डालने से पहले दो बार आप सोचेंगे। इस बुक के ऑथर डेव रामसे कहते हैं कि इसे अपने रिस्क पर करने की कोशिश करें, क्योंकि फाइनेंशियल कठिनाइयां कभी कभी स्टेप बाय स्टेप आती हैं, कभी कभी अचानक। इसलिए यह बेहतर है कि आप उनके लिए पहले से तैयार रहें। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हर समय हर कीमत पर कर्ज से बचें। और आगे रामसे का कहना है कि फोर्ब्स 400 कंपनियों में से लगभग 3/4 का मानना है कि कर्ज मुक्त रहने से अमीर बनने का रास्ता काफी क्लियर हो जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे। आखिरकार आपकी वेल्थ इंक्रीज करना आपके खर्चों से ज्यादा कमाई करने से ज्यादा कुछ नहीं है। हालांकि तर्क के लिए आपको लग सकता है कि एडवाइस मिलने में आपको काफी देर हो गई है। क्या अब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को बदलने के लिए कोई रास्ता है? तो इसका आंसर है कि बेशक। डेव रामसे ने इसे द टोटल मनी मेकओवर प्लान कहा है और यह 7 स्टेप्स में मौजूद है। इसमें स्टेप 1 है 1000 स्टार्टर इमरजेंसी फंड। ऑथर ने कर्ज को खत्म करने के लिए सबसे पहले छोटे कर्ज से बड़े कर्ज की ओर पेमेंट करने को कहा है। यह आपके शरीर को मजबूत करने के लिए एक हल्की प्रोटीन शेक पीने जैसा है, ताकि आप काम कर सकें जिससे आप अपना लोड कम कर सकें। यदि आपके घरेलू इनकम $20,000 से अधिक है तो आपका इमरजेंसी फंड, जो केवल इमरजेंसी कंडीशन के लिए है, वो $1,000 होना चाहिए। और यदि आप $20,000 से कम कमाते हैं तो कम से कम $500 इमरजेंसी फंड के लिए रखें। इसके आगे स्टेप 2 है डेब्ट स्नोबॉल। सबसे पहले अपने सभी कर्जों की लिस्ट बनाएं और फिर उन्हें पूरे ध्यान के साथ उन्हें एक एक करके जांचना शुरू करें। लेकिन यह बात ध्यान में रखें कि बड़े टास्क के साथ शुरू मत करें। थोड़ा सोच विचार करके सबसे पहले एक एक करके पेमेंट करके एक गति का निर्माण करना है। इसमें आगे स्टेप 3 है ग्रो योर इमरजेंसी फंड। लगभग 1.5 साल में आपको स्टेप 3 से स्टेप 4 तक जाने में सफल होना चाहिए। इतने समय तक आपको कर्जों से मुक्त हो जाना चाहिए और कम से कम $1,000 आपके इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। इस नंबर को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करें। जब तक आप इस स्टेप को पूरा नहीं कर लेते तब तक आप घर न खरीदें। इसमें आगे स्टेप 4 है इन्वेस्ट 15% इनकम। इमरजेंसी फंड को लिक्विड की तरह होना चाहिए, यानी आप इसे हर समय उपयोग करने में सक्षम हो। और यह केवल स्टेप 4 है जो कि आपको रिटायरमेंट के लिए आपके कुछ पैसे इन्वेस्ट करने की अनुमति देता है। और कुछ समय का मतलब आपकी इनकम का 15%। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे कहाँ इन्वेस्ट करें, तो इसका आंसर है कि म्यूचुअल फंड में। आखिरकार कोई भी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर यही करेगा। इसमें आगे स्टेप 5 है डेब्ट फ्री कॉलेज। ऑथर कहते हैं अगर आपको अपने बच्चों को एक प्राइवेट कॉलेज में डालने के लिए कर्ज में डूबना पड़ता है तो आप उस फैसले के साथ सही न्याय नहीं कर रहे। इसके बजाय एक स्टेट स्कूल में एडमिशन दिलाना बेहतर होगा। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो अपने पैसे बचाओ, लेकिन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें भले ही आपके पास पैसा है। इसमें आगे स्टेप 6 है पे ऑफ बिगेस्ट डेब्ट। आखिरकार सभी सबसे बड़े कर्जों को खत्म करने के लिए दो बातों को जानना जरूरी है। पहला ये कि लंबे समय तक कर्ज चुकाने की प्रवृत्ति में ना फंसे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पूरी जिंदगी में बहुत सा समय कर्ज भरते हुए खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप कम समय में कर्जों को खत्म कर देते हैं तो आप सभी अमेरिकन में से केवल 2% में से एक होंगे। इसमें लास्ट स्टेप 7 है हैव फन। जब आपको पता चलेगा कि स्टेप 7 का समय आ गया है तो हमें रामसे की इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जब आपका पैसा आपसे अधिक बनाने लगता है तो आप आधिकारिक तौर पर अमीर होते हैं।
इस बुक में जो कुछ मुझे सीखने लायक बात लगी उसमें फर्स्ट वन है, आप फाइनेंशियली रूप से सुरक्षित नहीं है। जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, जब तक कि आप लाखों नहीं कमा रहे हैं तो शायद आप फाइनेंशियल रूप से सुरक्षित नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि कई चीजें डेली बेसिस पर होती हैं। वास्तव में मनी मैगजीन ने अनुमान लगाया कि 10 वर्षों के पीरियड में लगभग 80% अमेरिकन बड़ी समस्याओं को एक्सपीरियंस करेंगे। एक कार एक्सीडेंट हो सकता है या अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी या जॉब की कमी हो सकती है। इसलिए इन सबका एक ही सलूशन है कि आप इन सब के लिए तैयार रहें। इसमें सेकंड वन है, कर्ज के जाल से बचें। जिंदगी में सबसे बुरी कंडीशन के लिए खुद को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है कि खुद को कर्ज में जाने की अनुमति नहीं देना। हाँ, इसका मतलब है कि आप अपने पास क्रेडिट कार्ड मत रखो, क्योंकि ये भी एक तरह का कर्ज ही है। वास्तव में अमेरिकी बैंक करप्सी इंस्टीट्यूट के अनुसार बैंक करप्सी के लिए फाइल करने वाले लगभग 70% लोग क्रेडिट कार्ड के कर्जों की वजह से बैंक करप्ट हुए थे। इसमें लास्ट वन है, स्टेप 7 में अमीर बने। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी करंट में क्या है। इस बुक के ऑथर करोड़पति बनने के लिए 7 सिंपल स्टेप्स बताते हैं, और आपको बस कुछ डिसिप्लिन और उनका पालन करने का दृढ़ संकल्प लेकर इसे शुरू करना चाहिए। हे दोस्तों, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको द टोटल मनी मेकओवर बुक से बताया, जिसके ऑथर है डेव राम से। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इसे खरीद भी सकते हैं। हे दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लोगों में बेस्ट ऑथर और मेंटर की नॉलेज को लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में कौन सी बुक की समरी देखना चाहते हैं प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में मैं हर दिन एक बुक की समरी आप तक पहुंचाने का प्लान कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि आपने अभी तक लाइक बटन को क्लिक कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ऐसा करने पर ही आपको इस चैनल की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।